हे गाइस नमस्ते और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मेरे साथ है रिंकी पंजाबी, सो जिनका एक टैरो कार्ड रीडर चैनल है और ये करती हैं वीकली मंथली टैरो कार्ड रीडिंग और बहुत अच्छी टिप्स होती हैं घर के लिए, आपके अपने लिए वास्तु टिप्स होती हैं। तो आज ये मेरे साथ हैं यहाँ पे, ये बताएंगी 5 वास्तु टिप्स जो कि आपके घर को पॉजिटिव बना सकती हैं। तो सबसे पहले मैं इनका वेलकम करती हूँ। वेलकम रिंकी टू माय चैनल। सो आप क्या बता रहे हो आज? सो बेसिकली आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 5 टॉप टिप्स टू मेक योर होम पॉजिटिव। जैसे कई बार होता है कि घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो वो पॉजिटिविटी आपके सराउंडिंग्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत ही सिंपल टिप्स है, कोई डीकंस्ट्रक्शन कुछ आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो Anybody can do it. Like literally आपको कुछ efforts नहीं लगेंगे, बहुत simple है। Just आप अपने घर पर inculcate कीजिए वो options और आप अपने आप ही देखेंगे कि कितना ज़्यादा positive आप अंदर में feel कर रहे हैं, आपका surroundings कितना ज़्यादा positive feel कर रहा है। तो let's get started. So बहुत थोड़े थोड़े changes करने हैं और ये बताएंगी वो, and I hope कि आप भी ये tips को follow करेंगे और ये tips जो आपके लिए helpful होंगी। So without wasting any time, let's get started. सो द फर्स्ट टिप इज़ डी क्लटर योर स्पेस। तो बेसिकली क्या होता है, कई बारी जो चीज़ें हमारे घर पर यूज़फुल नहीं होती हैं बट फिर भी हम उसे बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं, या कई बारी बहुत ज़्यादा मैस होता है आपके टेबल पे, डाइनिंग स्पेस पे, वो सारी चीज़ों को डी क्लटर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पॉजिटिविटी को वेलकम ही नहीं कर पा रहे हो। यू नो वो एक नेगेटिविटी आपके यहाँ आके अटक चुकी है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को वेलकम करने के लिए सबसे पहला जो बेसिक चीज़ है कि आप प्लीज़ अपना स्पेस डीक्लटर कीजिए, चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखिए। बहुत ज़्यादा यू नो जो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते हो सालों से उसे निकाल कर किसी को दे दीजिए जो एक्चुअली वो यूज़ कर पाए। हाँ, आई थिंक यहाँ पे इंडिया में लोग मोस्टली जो ऐसी डीप क्लीनिंग करते हैं, डी क्लटर करते हैं, वो दिवाली के टाइम पे करते हैं, बट ये इनको मोस्टली करते रहना चाहिए, ये रेगुलर बेसिस करना चाहिए। नेक्स्ट बेसिकली ये है कि जैसे घर पे विंडोज़ होते हैं, आपको एवरी मॉर्निंग वो विंडोज़ कर्टन सब ओपन करना चाहिए ताकि जैसे वो सनलाइट आपके घर पर आएगी तो वो एक प्योरीफायर की तरह यू नो ऐड करता है कि वो नेगेटिविटी को ले जाते हैं और पॉजिटिविटी पॉजिटिव वाइब्स आपके घर पे लाते हैं। तो सनलाइट का आना घर पे बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप मेक श्योर कर लीजिए कि ये छोटी सी चीज़ है बट इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है आपके लाइफ में, आपके होम में, आपके माइंड में, सारी चीज़ें उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो ये प्योरीफायर है, तो आप घर पर मॉर्निंग्स में यू नो विंडोज़ ओपन कर लीजिए, सनलाइट को घर पर आने दीजिए, एंड यू विल सी सर्टेन काइंड ऑफ चेंजेस। सो मेक श्योर कि आप मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले ये काम करना है, आपको कर्टन्स ओपन करने हैं, विंडोज़ ओपन करनी है, तो पॉजिटिव जो रेज हैं वो आएंगी और आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट फील करोगे। थर्ड टिप बेसिकली ये है कि आपको घर पे प्लांट्स प्लेस करने चाहिए आपके आउटसाइड एरिया में, इंडोर आउटडोर जितने प्लांट्स होंगे आपके सराउंडिंग्स में। जैसे मुझे पता है कि सोनिया के घर पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स है, एंड यू नो वो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव वाइब अपने अंदर आता है। यू नो देयर आर टाइम्स जब आप बहुत लो फील कर रहे हो, बस वो प्लांट्स के आगे जाके बैठ जाओ, एक बुक रीड करो, एंड दैट्स काइंड ऑफ यू नो अ मेडिटेशन, अपने अंदर ही आप अच्छा फील कर लेते हो। तो ये प्लांट्स का बहुत बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंस होता है। जैसे आपने बहुत ही ब्यूटिफुली इंडोर आउटडोर आई कैन सी प्लांट्स एवरीवेयर, लाइक यू कैन सी इन द फ्रेम ऑल्सो, तो प्लांट्स ही प्लांट्स यू नो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स जनरेट करते हैं आपके लिए घर पे, और सब कुछ अच्छा अच्छा फीलिंग एक ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो दैट्स ट्रू, बिकॉज सीरियसली जब मैं लोनली फील करती हूँ, स्ट्रेसफुल फील करती हूँ, आई रियली टॉक टू दीज प्लांट्स की और मैं एक पॉजिटिव अपने आप ही फील करती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी हेल्पफुल टिप है रिंकी ने जो बताई है। तो रिंकी ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लांट्स वगैरह है जो आपको रखने चाहिए? बेसिकली बैम्बू प्लांट बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ अगर आप बैम्बू प्लांट नहीं रख रहे हो इट्स फाइन, एनी काइंड ऑफ प्लांट इज as good as a bamboo plant, so it's absolutely fine. थैंक यू सो दिस रियली हेल्पफुल टिप गाइज। आप अपने घर में प्लांट्स रखिए, बाहर रखिए, इंडोर प्लांट्स रखिए और उनको पानी दीजिए, आप बहुत अच्छा एक फील करोगे। तो ये थी हमारी थर्ड टिप घर में अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट लेके आने के लिए। फोर्थ टिप है बेसिकली घर पे यू नो कैंडल्स लाइट करना।
नॉट एवरी डे बेसिस बट वंस इन अ वीक और टू टाइम्स इन अ वीक कहीं ना कहीं आपको कैंडल्स लाइट करनी चाहिए. उसके साथ साथ अगर आप बैकग्राउंड में कुछ सो सूदिंग यू नो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्ले कर रहे हो तो एक अलग एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली फील होती है कि यू नो बहुत ज़्यादा मन शांत होना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. कई बार यू नो वी फील वी आर टू स्ट्रेस, लाइफ का सर्कल इतना ज़्यादा चल रहा है, ऑफिस का काम, पर्सनल इशूज, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें होती है. बट उसके साथ आपको अपने माइंड और स्पेस को पॉजिटिव फील कराने के लिए यू नो लाइट कैंडल्स वेरी ऑफन और उसके साथ म्यूज़िक सुनिए, स्लो सूदिंग. कई लोग बोलते हैं कि यार स्लो सूदिंग म्यूज़िक सुन के हमको नींद आ जाए, यू नो विच इज़ स्टिल गुड बिकॉज जैसे आप वो जोन में जाते हो, जैसे आप सोते हो, यू नो आप ऑटोमेटिकली वो जो एनर्जीज है वो छोड़ देते हो अपने पीछे एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट टाइम आप लो फील करो तो जस्ट लिट अ कैंडल, कोई भी कैंडल हो आप उसको लगाए और बस आराम से बैठ जाइए जो कि जैसे रिंकी ने बताया है और आपका जो स्ट्रेस है वो फटाफट भाग जाएगा. बेसिकली ये है कि घर पे विंड चाइम्स लगाइए. अगर आपकी कोई पूजा घर है, पूजा स्पेस है, अगर आप वहाँ प्रेयर करते हो तो छोटी बेल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. यू नो आप मंदिर में शाम में सिर्फ बेल बजा दो, मॉर्निंग में बेल बजा दो बिकॉज वो साउंड एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है आपके घर पे. तो वो वाइब्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन. यू नो एट टाइम्स सिर्फ ये साउंड ही मिरेकल्स यू नो कर सकता है कि छोटी सी चीज़ है बहुत. यू नो लोगों ने इतना अटेंशन नहीं दिया है ये चीज़ को बट कहीं ना कहीं जैसे आप करते हो वो बेल बजाना, विंड चाइम्स बजाना, वो साउंड एक जनरेट होता है और वो साउंड से आपके सराउंडिंग्स में ऑटोमेटिकली सब पॉजिटिव पॉजिटिव फील करना स्टार्ट करते हो. तो ऐसा कुछ है कि आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जैसे रूम के अंदर या बाहर लगानी चाहिए ये? नहीं, आप घर के अंदर भी लगा सकते हो, घर के बाहर भी लगा सकते हो और जैसे आपका पूजा स्पेस है वहाँ पे जब ये आप बोलते हैं जैसे शाम में दिया बत्ती करते हैं तो साथ में यू नो 5 मिनट्स एक प्रेयर बोलते बोलते आपको बेल भी बजाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, तो ये थी रिंकी की 5 वास्तु टिप्स जो कि आपके घर को एक पॉजिटिव लेके आएगी, पॉजिटिविटी लेके आएगी, इन्वायरमेंट अच्छा बनाएगी, आप स्ट्रेस फ्री फील करोगे. जस्ट बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत बड़ी मायने रखती है आपकी डेली लाइफ में. तो जब आप ऑफिस से आते हो या वीकेंड पे आप कुछ ऐसे छोटी छोटी टिप्स करिए और आप एक प्लान के साथ कीजिए कि अगर आपको नहीं टाइम लगता है डीक्लटरिंग वगैरह का तो आप उसको यू नो एक शेड्यूल के साथ कर सकते हो बट एटलीस्ट कीजिए. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं एंड आई रियली होप कि आपके लिए ये टिप्स बहुत ही हेल्पफुल होंगी इन फ्यूचर और नाउ टू रिंकी. और अगर आप चाहते हैं कि और टैरो कार्ड रीडिंग हो या कुछ ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन बिलो, तो हम लोग और वीडियो करेंगे साथ में. सो प्लीज़ आप इनका चैनल भी चेक कर सकते हैं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू सून. टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल. बाय.